क्या करूं मैं, पहले उंगलियां गरम थी, अब तो पूरा हाथ ही गरम हो रहा है। पापा गरम गरम समोसे खाएगा? यहाँ मैं खुद ही समोसे के आलू जैसे उबल गया हूँ और दीदी गर्मा गर्म समोसे की बात कर रही है। नहीं दीदी, कुछ भी गर्म खाने का मन नहीं हो रहा। ठीक है, पर फिर ये मत कहना कि मैं तुमसे पूछा नहीं। ठीक है। वो देखो भैया, विवान इधर ही आ रहा है, आपको कल के थप्पड़ का बदला लेना है, पता है ना? हाँ चिंटी, कल उसे किक मारी थी ना, आज उसे लंगड़ी मारूंगा। चल 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 चल। ओए तू कुछ गिर गई। आ दीदी, दीदी नहीं। कैसे भाई हो, उठने में हेल्प ही नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे हाथ गरम, क्योंकि मेरे हाथ धर्म धर्म से बंधे हुए हैं ना। मम्मी ने कहा था कि इंसान को गिर कर खुद ही उठ जाना चाहिए, लेकिन आपको गिराया किसने? पता नहीं। अच्छा तो इनकी बदमाशी है ये, अब इनको पता चलेगा कि बदमाशी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। चीटी तेरे बैग में आग लगी है। भैया आपके भी। आ, 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 हमें कोई बचाओ। आ, 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 आ। बस अब कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल ना पूछ ले। टीचर, प्लीज हमें बचाओ। मैथ्स टीचर, प्लीज हमारी आग बुझा दीजिए। अरे अरे पता, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा घूमो। मैम अब जाके ठंडक मिली, आपके हाथ में एसी है क्या? विवान भैया, अब तो विवान की एसी की तेजी होगी। क्या हुआ पानी परी, हमें यहाँ क्यों बुलाया? ज्वाला परी, तुमने जो विवान को अग्नि शक्ति दी है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। अग्नि शक्ति? पर मैंने तो कोई अग्नि शक्ति नहीं दी है इसे। हाँ। क्या तुमने विवान को कोई अग्नि शक्ति नहीं दी? तो फिर इसने चिंटू और चिंटी के कपड़े और बैग कैसे जला दिए? क्या विवान, क्या चक्कर है? वो बात ये दरअसल मक्ति परी कि मैंने बुद्धि पर जादू का गलत इस्तेमाल कर दिया, उसी की सजा मिल रही है मुझे। मेरे दोनों के दोनों आग की भट्टी बन चुके हैं। इधर आ, तुम्हारा शरीर तो आग की तरह गर्म हो चुका है। मुझे भी अंदर से ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं तवे पे फ्राई हो रहा हूँ। प्लीज मुझे जल्द से जल्द बाटर के पास ले चलो, ताकि मैं उनको सॉरी बोल के मेरी सजा खत्म करवा सकूं। प्लीज क्या हुआ, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा तो मैं कान पकड़ कर उठक बैठक भी कर लूंगा, और अगर बाटर ने फिर भी माफ नहीं किया तो मैं मुर्गा भी बन जाऊंगा और बांध भी दे दूंगा कुकड़ो को ऐसे। प्लीज विवान के माथे पर ये अजीब सा सूरज जैसा निशान कहाँ से आया? पता नहीं मस्ती परी, लेकिन मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे फौरन जाकर बालवीर और शौर्य को इस निशान के बारे में बताना होगा। विवान के माथे पर सूर्य का निशान? हाँ, और विवान का शरीर भी एकदम तेजी से गर्म होते जा रहा है। उसे लगता है कि उसने बुद्धिपाश जादू का गलत इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि बात कुछ और ही है। शौर्य, कहीं ये तिमनासा की चाल तो नहीं? नहीं बालवीर, तिमनासा जो परम अस्त्र बना रही है
उसकी शक्ति सूरज से नहीं आ रही। तो फिर कौन कर रहा है ये सब? और विवान के माथे पर सूर्य का निशान क्यों है? मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ बालवीर, तब तक तुम पृथ्वी पर जाकर देखो, वहां पूरी शक्तियों की कोई हलचल तो नहीं हो रही है। ठीक है शौर्य। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए और ये देखिए, ये क्या है आप लोग जानते हैं? ये तो जले हुए बैग्स हैं। ये कोई ऐसे वैसे बैग नहीं थे, इटली से मंगाए हुए $100 के बैग थे। $100? लेकिन इटली में तो यूरो चलते हैं ना? बात को घुमाइए नहीं, असल समस्या पर ध्यान दीजिए। विवान स्कूल में माचिस लेकर के आता है, आज बैग जलाए हैं, कल को कुछ और जलाएगा तो क्या? विवान सच बताओ, तुम स्कूल में माचिस लेकर आए थे? नहीं नहीं मैम, मैं माचिस लेकर नहीं आया था, आप चाहे तो मैच टीचर से पूछ लीजिए ना। टीचर से क्या पूछवा रहे हो? ये लोग विद्या पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम स्कूल में माचिस लेकर के नहीं आए थे। माचिस तो नहीं लाया था, लेकिन बुक पर हाथ रखा तो आग लग जाएगी। क्या सोच रहे हो? रखो हाथ, खाओ कसम। नहीं 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 प्लीज। देख लिया आप लोगों ने, इसी ने बैग जलाया है, मेरे बच्चों का इटली वाला बैग। मैं चाहता हूं कि इसे आज के आज ही स्कूल से सस्पेंड किया जाए। नहीं नहीं मिश्रा अंकल प्लीज, मुझे सस्पेंड मत करवाइए प्लीज। एक मिनट। देखिए मिश्रा जी, चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों के लिए इंपोर्टेड नए बैग और स्कूल के नए कपड़े ये लीजिए। तो अब नुकसान की भरपाई हो गई, अब विवान को आप सस्पेंड मत कराइए। हाँ हाँ मिश्रा जी, विवान आप ही के तो पड़ोस का लड़का है ना, उसे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। देव ये तो हुई इसकी भरपाई, मगर जो विवान ने गलती की है उसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी, स्कूल के 20 चक्कर दौड़ कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है। पूरे 20 चक्कर लगवाइएगा इससे। बस पार्टनर, अब और नहीं होगा। विवान एक्टिंग मत करो, सिर्फ एक राउंड तो पकवाया तुमसे, और वो भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अरे एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, और अब तो लोग भी चले गए हैं ना, प्लीज माफ कर दो मुझे। पहले तो सिर्फ हाथ चल रहे थे, अब तो पूरी की पूरी बॉडी चल रही है मेरी। हाँ पानी भरी पार्टनर, अब तो बुद्धि पास जादू का गलत इस्तेमाल करने की सजा पूरी तरह से माफ कर दो ना प्लीज। विवान क्या तुम पिछले 2-3 दिनों में किसी से मिले थे, या फिर किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया हो पिलाया हो? ये कोई साधारण जल नहीं है बच्चा, इसके असर से तुम पृथ्वी पे सूरज की तरह चमकोगे। हाँ अलाख निरंजन, वो 3 साधु मिले थे मुझे, उनसे बस मैंने आशीर्वाद लिया था, वो एक कमंडल में हाथ डालकर। कहीं वो 3 साधु काल लोक से तो नहीं आए थे? हो सकता है पानीपरी, लेकिन हमें विवान को पता नहीं चलने देना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएगा। क्या हुआ पार्टनर, साधुओं के नाम सुन के आप लोग सन्नाटे में क्यों चले गए? क्या कर दिया है उन जादुओं ने मेरे साथ? कुछ नहीं हुआ विवान, उन्होंने अगर तुम्हारे साथ कुछ भी किया होगा तो चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो ठीक कर दो ना मुझे प्लीज, गर्मी के मारे गला सूख रहा है मेरा। हाँ यहाँ पर नहीं विवान, हमें तुम्हारे घर पर जाना होगा। पानीपरी मैं विवान को लेकर घर जा रहा हूँ, तब तक आप यहाँ से विवान के हाफ डे के लिए लेकर घर पर आइए। ठीक है।
धोनी दूरबीन से ज्यादा ताक झाक मत कीजिए वरना आंख खराब हो जाएगी आपकी और सब लोग आपको काना भैमार बोलने लगेंगे। ऐसा मैं नहीं, लोग बोलने लगेंगे। पृथ्वी पर सूरज की स्थिति देख रहा था मैं। विवान के शहर में दोपहर का समय खत्म हो चुका है। धीरे धीरे सूरज नीचे आएगा और जैसे ही सूर्यास्त होगा विवान के साथ साथ ये पृथ्वी एक बड़े धमाके में फट जाएगी। एक ऐसी छोटी सी दूरबीन मुझे भी दीजिए ना भैराजा, ताकि मैं बालवीर पल्लू को रोता हुआ देख सकूं जब आपकी धमाकेदार चाल कामयाब हो जाएगी। बॉर्डर बहुत गर्मी लग रही है यार, कुछ करो ना प्लीज। परियो, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक साथ विमान पर करना होगा। बॉर्डर की पूरी बिल्डर ने एक साथ ताकत लगाई है, अब तक तो मेरा इलाज हो गया होगा। ट्राई करता हूं। पार्टनर भी रहा तो और भी गर्म हो गया। परियो, ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, मुझे शौर्य से सलाह लेनी पड़ेगी। हेलो बॉर्डर, मुझे ट्रीटमेंट की मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट की मिल रही है। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? फिकर मत करो विवान, किसी भी इलाज का असर होने में थोड़ा समय तो लगता है, इंतजार करो। टाइम लगेगा लेकिन मम्मी ने तो 5 बजे तक घर पर देखूंगा। अगर सूर्य ग्रहण से पहले वापस नहीं लौटूंगा तो मम्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं विवान, तुम घर जा सकते हो लेकिन घर जाकर किसी भी चीज को छूना मत। ओके वाटर, पानी भरी, तब तक आप मेरे साथ चलिए ना। जब तक वाटर के जादू का असर नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ चलकर मेरे हाथों पर ठंडा पानी छिड़कते रहना प्लीज। चलो। परियो, मैं शौर्य से मिलकर पता लगा था कि आखिर विवान पर किसने कौन सा जादू किया है। तब तक आप विवान का ख्याल रखिए, मैं जल्दी ही आऊंगा। विवान के शरीर की गर्मी सूरज के चढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, इसका मतलब किसी ने उसके शरीर में सूरज का अंश डाल दिया है। लेकिन किसने? यह काम तिम्नासा का हो नहीं सकता क्योंकि वो परम अस्त्र तैयार करने में व्यस्त है, लेकिन यह जरूर काललोक के किसी दूसरे प्राणी का किया हुआ काम है। शौर्य, धरती लोक पर पानी परी विवान पर ठंडे पानी की बौछार तो कर रही है लेकिन उससे विवान को ज्यादा देर तक आराम नहीं मिल सकता, उसे पूरी तरह से ठीक कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब तो तुम्हें काललोक में ही मिलेगा बालवीर। ठीक है शौर्य, अब तो मैं इसका हल ढूंढकर ही लौटूंगा। ये है परमस्त बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, एक बात कहूं, मुझे ना उस बहमार की चाल पर बिल्कुल वो नहीं है भरोसा। उसका तो वही हाल है, छोटा मुंह और बड़ी बात। बहमार की चाल कामयाब हो ना हो जब दाली,
लेकिन तिमनासा का ये वार खाली नहीं जाएगा। आज पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, मैं वीर लोक के चिथड़े उड़ा दूंगी। यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा है कि बहराजा इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे, लेकिन एक ही चाल में छह और मात देने वाले हैं तुमको। क्या करने वाले हो तुम विमान के साथ? सूरज डूबने दो, पता चल जाएगा। भाई मार, सीधा सीधा बता दे वरना। हाँ, देखो मैं बहुत डर गया। देखो मैं थर-थर कांप रहा हूँ तुम्हारी धमकी से। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो कोई धमकी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम थर-थर कांपोगे। बताइए ना महाराजा, क्या सूरज में कितनी गर्मी है जानते हो बालवीर? मैंने सूरज का एक अंश विवान के शरीर में डाल दिया है, और शाम को जैसे ही सूरज ढलेगा विवान का शरीर फटेगा और भाप बन के उड़ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, पृथ्वी भी भाप बनकर उड़ जाएगी। भाप रे भाप, भाप रे भाप, भाप रे भाप। अरे 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 क्या हो गया बालू, खौफ के मारे चिल्लाने का मन हो रहा है? विमान को कुछ नहीं होने दूंगा। विमान को तो तुम नहीं बचा पाओगे बालवी। उंगली नीचे। हाँ, लेकिन तुम अपनी पृथ्वी को जरूर बचा सकते हो अगर तुम विमान को खुद अपने हाथों से मारो सूरज ढलने से पहले। क्या सोच रहे हो बालवीर? जो भी सोचना है जल्दी सोच लो, सूरज डूबने वाला है। और सूरज डूबने के बाद भैरानी के परमास्त्र से वीर लोग भी बढ़ जाएगा। तुम्हें वो भी तो होने से रोकना है ना। कैसा किया मेरा जा? ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है इन्होंने मुझे। एक तरफ वीर लोग हैं और दूसरी तरफ विवान और पृथ्वी। इन सबको एक साथ इतने कम समय में कैसे बचाऊंगा मैं? टाइम लगेगा, लेकिन मम्मी ने तो 5 बजे तक घर पर देखूंगा। अगर सूर्य ग्रहण से पहले वापस नहीं लौटूंगा तो मम्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्या हुआ, कड़ी चुनौती आई तो पीठ दिखाकर भाग रहे हो? अरे भागेगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा। आपने इसे भंवर में डाल दिया उसे कि मति भ्रष्ट हो गई इसकी। लट्टू की तरह चक्रम हो गया इसका दिमाग। तुम सिर्फ नाम के बालवीर हो या थोड़ी बहुत वीरता भी है तुम्हारे अंदर? बोलो किसे बचाओगे, विवान को या अपनी पृथ्वी को, या ऐसे ही पीठ दिखाकर भाग जाओगे? पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं मैं। मैंने फैसला कर लिया है, अगर पृथ्वी को बचाने के लिए मुझे विवान को मारना पड़े तो मैं तैयार हूं। थोड़ी देर पहले आप जीत रहे थे लेकिन अब आप जीत गए हैं, समझ लीजिए। ये सही कह रहा है, तुमने मुझे हर तरफ से मजबूर कर दिया है, लेकिन विवान को मारने में एक समस्या है। क्या जी समस्या? मैं बालवीर
मेरी शक्तियां केवल बुराई का नाश कर सकती है। वीर लोग का कोई भी हथियार विवान को नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हें मुझे काल लोग का हथियार देना होगा। राजा मान जाइए ना, मिल जाएगा हथियार, लेकिन वो हथियार इतना ताकतवर होना चाहिए जिसे मैं काल कुंभ ग्रह से चलाऊं तो वो पृथ्वी तक पहुंच जाए। काल कुंभ ग्रह वो तो बहुत दूर है, वहां से तुम क्यों हमला करोगे? क्योंकि अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो परियों को मुझ पर संदेह हो सकता है और शौर्य मेरी ऊर्जा से पता लगा सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। और वैसे भी विवान को मारने के बाद मेरी शक्तियां छीन ली जाएगी, मुझे वीर लोक से निकाल दिया जाएगा, तब कम से कम कालकुंभ ग्रह में रहकर मैं पश्चाताप तो कर पाऊंगा। राजा क्या सोच रहे हो? कर लीजिए, मान लीजिए, मान जाइए। भाई मार वार तो होगा पर विवान पर नहीं, काल लोक पर। भाई मार मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुम्हारे शस्त्र की जरूरत है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मंजूर है। बीस मिनट के अंदर सूरज में ग्रहण लगने वाला है, अगले 20 मिनट में ही मुझे अपना काम करना होगा। पॉपसिकल गले से नीचे उतरने से पहले भाप बन के उड़ जा रही है, अगर सूर्य ग्रहण से पहले घर नहीं पहुंचा तो मम्मी की डांट कान से नीचे उतरेगी। रुक जा, तो मैं सारे अपने घर नहीं जा सकती, अगर करुणा जी को पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल? बोलो नहीं सुनो, क्या मुश्किल हो जाएगी? वो क्या है ना करुणा जी, मैं कह रही थी विवान का मैथ्स टेस्ट है तो उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो बस वही बात कर रही थी। हाँ। अरे तुम दे रही हो ना ट्यूशन विवान को, तो फिर क्या मुश्किल होगी? अरे विवान तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है बेटा? मम्मी छूना नहीं प्लीज। बोलो नहीं सुनो, मैं क्यों नहीं सुन सकती तुझे? क्योंकि वो विवान तुम बाहर से खेलकर आ गए? हाँ आ गया। देखा करुणा जी, इसीलिए आप इसे नहीं छू सकते। हाँ विवान अभी बाहर से खेलकर आया है ना, पसीनों में कितने कीटाणु होते हैं। हाँ दीदी बताओ तुम करुणा जी को, तुम तो साइंस टीचर हो है ना? मैं? हाँ बताओ। किताब से देखकर तो तुम मुझे साइंस बताती हो ना, मैं कैसे बताऊं कीटाणु के बारे में? पसीने के कीटाणु जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, बराबर ना मैम? वैसे कीटाणु अगर आपने मुझे छू लिया तो वो आपके हाथ में जाएंगे, और अभी आप खाना बना रहे हैं तो आपके हाथ से खाने में, फिर खाने से हमारे पेट में, तो अनर्थ हो जाएगा ना। अरे वाह 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 विवान, क्या बात है। देखा करुणा जी, आपका बेटा कितनी अच्छी साइंस पढ़ता है, कीटाणु कहाँ से कहाँ शेयर करते हैं ये भी इसे पता है, देखो। अच्छा तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैंने कुल्फी जमाई है लेकर आके। विवान तू अच्छे से नहा ले बेटा। हाँ कोई भी बैक्टीरिया वायरस बचना नहीं चाहिए, जा। पानी भरी, मैं 9 साल पहले जब छोटा था ना तब मुझे रहने में हेल्प चाहिए थी, अब भी बड़े होगी मैं खुद ना सकता हूँ। सॉरी। एक मिनट, अगर आपको कुछ हेल्प करनी है तो टंकी में पानी 0 डिग्री तक ठंडा कर दो ना प्लीज। छवा तुम दोनों आगे, मैं काल लोग जा रही हूँ, बालवीर को वहां मेरी जरूरत है, लेकिन करुणा जी को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि विवान के साथ क्या हुआ था। ठीक है तुम जाओ।
मेरा नहीं, नन्ही उंगली की कसम, वो सरबिरा भैमार, वो काल कुंभ ग्रह जा रहा है, और जानते हैं क्या लेकर? वो लेकर ताकतवर हथियार। तुमने पूछा नहीं क्यों? पूछा ना मेरा नहीं, बिल्कुल पूछा, और जानते हैं वो ढीठ भैमार क्या कहता है? कहता है कि उस ताकतवर हथियार से एक साथ बालवीर और विवान का शिकार करेगा, एक साथ। महारानी देखिए ना, तब से मेरी ये नन्ही उंगली फटकी जा रही है, और जब जब ये फटकी है ना, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, और कहीं वो बैमार कुछ गड़बड़ ना कर दे। बैमार की गड़बड़ सुधारने का वक्त नहीं है मेरे पास जबदाली, क्योंकि कुछ ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है, और फिर मेरा ये परम अस्त्र जाकर वीर लोक को तबाह कर देगा, फिर ना बचेगा वीर लोक और ना ही बचेगा वो बालवीर। बड़ा मजा आ रहा है बालवीर से ऐसे पाप करवाते हुए, ऐसा पाप कि जिसमें से सदियों तक मुक्ति ना मिल पाए इसे। ये रहा भयमास्त्र, इसका निशाना मैं विवान पे लगा के देता हूं तुम्हें। बस कुछ समय और फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये निशाना किस पर लगने वाला है भयमार। विवान, पार्टनर के इलाज का असर कब शुरू होगा? आउच, अब तो मेरे जादू का असर भी कम हो गया है विवान के ऊपर से। अब ये अस्त्र विवान को मार के ही रुकेगा। कैसा लग रहा है बालवीर अपने हाथों से अपनी ही गर्दन काटते हुए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा विवान तुम्हारे हाथों से मरने वाला है। चलाओ भयमास्त्र। सिर्फ 10 मिनट और बाकी है जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक कतार में होंगे, और मैं हथियार तभी चलाऊंगा। थोड़ी देर हमें बाद फिर ये गर्मी ठीक हो जाएगी। कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मेरे शरीर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आप लोग मुझे बस दिलासे दे रहे हो। नहीं नहीं विवान, हम लोग तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे। हाँ विवान, ऐसा कुछ नहीं है। विवान को उसके कमरे में ले चलो परियो, यहाँ रहेगा तो करुणा जी को शक हो सकता है। विवान, ये ले बेटा कुल्फी का। अरे पकड़। नहीं चाहिए। अरे तो तुझे तो पसंद है ना, केसर वाली कुल्फी तेरी फेवरेट है। हाँ लेकिन मेरे टीचर्स के सामने मैं पहले कैसे खा सकता हूँ?
आपने ही सिखाया ना। अरे हाँ ये भी है, तो कोई बात नहीं, तू अपने टीचर्स को खुद ही खिला देना, ये ले। अरे ले ना, खुद ही खिला दे, ले खिलाएंगे। अरे ले ना, पकड़, अरे पकड़ कुल्फी, ले खिला दे। अरे तुम लोग बैठो ना। वैसे बहमार, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, बड़े ही वफादार हो तुम। क्या क्या कहा? क्या क्या? किसकी वफादारी? अरे ये तो खुद भैरानी की गद्दी छीनना चाहते हैं, इसलिए तो तुम्हें बिना बताए ये अस्त्र दे रहे तुम्हें। वफादारी किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, पूरी प्रजा के लिए होती है, काल लोक की भलाई के लिए। अगर तुम दिमनासा को गद्दी से उतारना चाहते हो तो यह तुम्हारी वफादारी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम पृथ्वी को बचाने के लिए विवान को मारने के लिए तैयार हो गए। क्या हो रहा है? ऐसी हवा तो भैरानी भैराजा के अंदर पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गई तारीफ, आप जल्दी से चलाओ अस्त्र। बस 2 मिनट और है ग्रहण में। वैसे आपकी भी तारीफ होनी चाहिए तब। क्या? मेरी? क्या कहा? मेरी तारीफ? अरे मैं तो खुद बदतमीज, मुफ्फट और बहुत बदनाम प्राणी हूँ। अरे मेरा नाम ही तोबा तोबा है। लेकिन आप अपने भैराजा का साथ कभी नहीं छोड़ते। सो तो है भैराजा, ये तो ऐसे ही। काल लोक के आने वाली पीढ़ियां आप दोनों को आपकी वफादारी के लिए हमेशा याद रखेगी। करुणा जी, कहीं ये सूर्य ग्रहण की वजह से तो नहीं हुआ? और सूर्य ग्रहण की वजह से कुल्फी पिघल जाए, ऐसा तो कभी नहीं सुना। लेकिन मैंने सुना है ना करुणा जी, सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रह नक्षत्र की दशा बदल जाती है, सूर्य की खतरनाक किरणें धरती पर आ जाती है, शायद इसीलिए कुल्फियां पिघल गई हो। हमारी मम्मी तो यहाँ तक ही कहती है कि सूर्य ग्रहण के समय खिड़की और दरवाजे बंद ही रखने चाहिए। हाँ हाँ, अब बंद कर दीजिए, जाइए। हाँ, मैं बंद करके आती हूँ। हाँ हाँ, और करुणा जी हम ना विवान को अंदर लेकर जाते, साइंस की पढ़ाई तो हो गई, अब मैथ्स भी करवा देते, ठीक है? हाँ, तब तक कुर्सियाँ भी जम जाएगी। हाँ जाइए जाइए, ढंग से पढ़ाना उसे। हाँ ये गर्मी तो विवान के दिमाग तक पहुंच गई है, शायद इसीलिए इसे बेहोशी छा रही है। हाँ, बालवीर ने कहा था ग्रहण के दौरान सूर्य का ताप कमजोर हो जाता है। ज्वाला परी, तुम अपनी शक्तियों से विवान के माथे से सूर्यांश बाहर निकालो। हाँ
मुझे लगता है हम सबको मिलकर विवान की धड़कन को सामान्य रखना पड़ेगा। चलो परियो। सूर्य ग्रहण लग चुका है, यही सही मौका है। काश के तुम में वफादारी के साथ तुम दोनों में थोड़ी अक्ल भी होती। काश तुम्हें यह पता होता कि थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है। काश तुम ये जानते कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की गर्मी कम हो जाती है। काश तुम्हें झूठी तारीफ की इतनी भूख ना होती। बोलने का समय समाप्त, अब होगा खेल शुरू। चंद्र ग्रहण ये भयमास्त्र है, यह विवान को मार के ही रुकेगा। वायु की गति से आगे बढ़ेगा यह हथियार। काश के तुम्हें पता होता भयमार कि वीर लोग की इतनी सारी परियों में से एक परी वायु परी भी है। ये अस्त्र धरती का नहीं काल लोक की तबाही का कारण बनेगा। सूर्यांश बाहर निकल गया। हाँ, विवान का शरीर भी अब थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। विवान, तुम्हें कैसा लग रहा है? विवान, विवान, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? विवान आँख क्यों नहीं खोल रहे? विवान आके खोलो। विवान, विवान उठो ना। जाओ परमास्त्र और जाकर वीर लोक के पर खच्चे उड़ा दो। ताकतवर हथियार जो मेहमान लेकर गया था, मेरा नहीं रोकी से। अगर एक काल लोक पर गिरा तो वो आ जाएगी। नले तो इसे रोकने का एक ही रास्ता बचा है।
लगी है मेरे साथ। अच्छा ही परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं। देर से ही सही पर हुआ। हाँ तो मुझे लग रहा था कि मैं पॉपू उनकी तरह पॉपू जाने वाला हूँ। बड़े के होते हुए छोटे को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये सब किया कैसे? मैंने दरअसल चलाओ भाई मस्त। और इस तरह मैंने भयमार की योजना पर ग्रहण लगा दिया। काश मैं भी वहां होता बस भयमार का छोटा मुंह देखने के लिए। अच्छा विवाह ये बताओ इस सच से तुम क्या सीखी? लो अभी तो मैं बेड से उठाऊं और आप मेरी क्लास ले रहे हो। विवान पूरी जिंदगी क्लास होती है। जो इंसान पूरी जिंदगी में कुछ नहीं सीखता वो ना समझ होता है लेकिन जो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है वो समझदार होता है। और ना समझ तो मैं हूँ नहीं तो ठीक है। तो मैंने ये सीखा कि हमें अनजान लोगों से ना टॉयज लेने चाहिए ना टॉफी और ना आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे अंदर क्या कर रहे हो सब लोग? कुल्फी जम गई। अरे देख तुम। हाँ करुणा जी अब आपकी केसर कुल्फी के बिना कौन रह सकता है? अरे सब टीचर्स तुम्हें ट्यूशन देने आए हैं और तुम मस्ती कर रहे हो। एक मिनट। ओह मैं तो भूल ही गया सारे जम तो धुल चुके हैं ना अब आप कान खींच सकती है ये लो। ऐसा कान खींचा है मम्मी ने कि अभी तक दुख रहा है। क्या गलती कर दी थी मैंने बस चोर पुलिस ही तो खेल रहा था मैं। भैया अंकल इतनी जल्दी में क्यों है? चोर 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 विवान तूने वो चोर को देखा लाल पीले शर्ट वाला लाल जूते वाला हाँ गले में रुमाल। हाँ वो लाल पीला तोता अभी भी यहाँ से उठ के गया। लाल पीला तोता नहीं रे चोर चोर वो है वो चोर। अरे वो तो देव जोशी है भारत नगर का हीरो और तुम्हारा पीटी टीचर। हमारी आंखें कमजोर हो गई क्या? कम रोशनी पढ़ाई मत करो और सुबह उठने के बाद ना ठंडा पानी छिटे छिटे आंखों पे मारो। मोबाइल मत देखो हाँ तुम लोग बच्चे लोग बहुत मोबाइल देखते हो आजकल। मोबाइल देखो मम्मी को बोलू गिर पड़े साहब। एक्चुअली आंखें तो अपन की भी खराब है इसलिए अपन दिन में चोरी करते हैं। तुम सरेंडर कर रहे हो? हाँ वो क्या है कि अटकड़ी आपके पास नहीं थी इसलिए मैं अपना खुद ही बांध लिया। देखा देव आजकल चोर लोगों के बीच में मेरा डुबा डुबा कितना बढ़ गया है। बारिश तभी होती है जब छत पे कपड़े सूख रहे हो। ए, नहीं ये दोनों बातें अलग है। ए, कलरफुल चोर चल। पाठन ये कौन सा जादू था? आओ बताता आप तो बताओ पाठन ये कौन सा जादू था? स्थिर मूर्ति जादू। और इस जादू इस जादू से मैं लोगों को मूर्ति बना सकता हूँ है ना? और क्या क्या कमाल कर सकता हूँ मैं इस जादू से? इस जादू से तुम किसी भी इंसान को मूर्ति बनाकर
उसके चेहरे के हाव भाव बदल सकते हो और साथ ही साथ उनकी हाथ की चीजें भी बदल सकते हो। जैसे आपने चोर के अच्छे चाकू के बदले रस्सी डाल दी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसे। और जैसे वो इंसान जादू से बाहर आएगा, तुम उसके दिमाग की सोच भी बदल सकते हो। अगर वो कोई बुरा काम करने जा रहा है तो तुम उसे रोक सकते हो। वाओ, प्लीज जल्दी दे देना मुझे स्केर मूर्ति जादू। अपने दोनों हाथ आगे करो। वाओ, थैंक यू सो मच बैटर। यस विवान, अब मैं वीर लोग जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। अब तुम इस जादू का अभ्यास करो और हाँ, याद रहे इस जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करना। यस। क्या बात है शौरी, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? तुम्हें याद है ना बालवीर, आज से परिलोक में स्वर्ण तिथि शुरू हो रही है। हर 500 साल में यह तारीख सिर्फ एक बार आती है। इस स्वर्ण तिथि में कल्प पुष्प खिलता है। कल्प पुष्प? हाँ बाली, शौर्य ने हमें बताया कल्प पुष्प एक खास तरह का फूल होता है। वो अगली पूर्णिमा की रात को परी तारा को अर्पित किया जाएगा। हाँ, इस फूल से परी तारा की पवित्रता बनी रहती है, जिससे हमें शक्तियाँ और जादू मिलता है, ताकि हम बुराई से लड़ सके और अच्छाई की रक्षा कर सके। और अगर ये कल्प पुष्प बुरी शक्तियों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने इसे परितारा को अर्पित कर दिया तो परितारा की ताकत उन बुरी शक्तियों को मिल जाएगी। लेकिन इस कल्प पुष्प के बारे में तो माँ को भी पता होगा। किस रंग का होता है आखिर ये कल्प पुष्प? बैंगनी रंग का, बहुत ही खूबसूरत होता है वो फूल। बैंगनी रंग का और खूबसूरत? इतनी बड़ी और खास जानकारी देने के लिए शुक्रिया कालपरी। अब ये भी बता दो कालपरी कि कल्प पुष्प खिलता कहाँ है? कल्प पुष्प कभी भी एक ही जगह पर दोबारा नहीं खिलता है, ये अलग अलग ग्रहों पर खिलता है। लेकिन इस बार ये फूल पृथ्वी पर खिलेगा। पृथ्वी पर कहाँ शौरी? इसका इशारा हमें तब मिलेगा जब आसमान में सितारों का आकार एक इंद्रधनुष जैसा बनेगा और सितारों का ये इंद्रधनुष ही हमें बताएगा कि पृथ्वी पर कल्प पुष्प किस जगह खिलेगा। तो हमें अभी पृथ्वी पर जाकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कल्प पुष्प तिमनासा के हाथों नहीं लगना चाहिए। उसे इस बारे में पता चल गया होगा। अगर तुम्हें इस कल्प पुष्प की पृथ्वी पर सटीक जगह नहीं पता है तो हम ये फूल हासिल कैसे करेंगे? सब्र करो भैमार, मुझे पूरा यकीन है कि काल परी ये कल्प पुष्प कहाँ खिलता है इसका पता लगा ही लेगी। क्यों, सही कहा ना मैंने काल परी? हाँ, भैमार की तरह मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी तिमनासा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर काल परी, कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं होने दोगे। और तुम्हें पता है ना, कल्प पुष्प ढूंढने के बाद तुम मुझे एक और खास तोहफा देने वाली हो। अबरारी, मैं बताता हूँ, कल्प पुष्प ढूंढने के लिए परी की नहीं भौरे की जरूरत होती है। आप भी ख्याल तो अच्छा है। मेरा जा, वाह वाह वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब देखना तुम, हाँ, काल परी से पहले मैं वो कल पुष्प लेकर आऊंगा आपके सामने। हैरानी, ये लोग, इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूफी होगी जमदानी, क्योंकि कल्प पुष्प सिर्फ काल परी ही ढूंढ कर ला सकती है। ये बच्चों का खेल नहीं है। स्थिर मूर्ति बोलने से अच्छा मैं स्टैच्यू बोल दूं,
और स्टैचू वाले जादू की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे चूजे हैं यहाँ पर। खत्म हो जाए सारी स्फूर्ति, इस पर हो जाए स्थिर मूर्ति। अरे मैं खुद ही मूर्ति बन गया, क्या गलती हो गई, कहीं बच्चों को चूजा बोला इसलिए तो नहीं। भगवान लंच ब्रेक हो गया और तू स्टैचू खेल रहा है, तू अपनी पलटन को छोड़ के किसके साथ खेल रहा है, बता ना भगवान, टेल मी। माफ कर दो स्थिर मूर्ति, वापस दे दो मुझे फुर्ती। या आ मैं स्टैचू नहीं खेल रहा था, वो पीटी सर ने मुझे पनिशमेंट दी थी कि 10 मिनट तक मुझे एक ही पोजीशन में रहना है, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं आता हूं लंच करने के लिए। जाओ। चलो दोस्तों लंच टाइम हो गया। बच्चों पर जादू प्रैक्टिस करने से पहले अच्छा है कि मैं चीजों पर जादू ट्राई कर लूं, यही सेफ रहेगा। किस पर करूं? नाप तोड़ोगी मेरी? कोशिश तो कर लो। तो मैं तुम्हें लपकप कर दूंगा, नहीं मैं तुम्हें बुद्धि पाश कर दूंगा। मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ है? भैया व्यवहार को हराने से पहले हमें उसके चमचे गोपू को हराना होगा। हाँ चिंटी। अरे देखो देखो देखो, गोपू लंच ब्रेक में सुसु ब्रेक भी ले रहा है। ये मैंने नहीं किया, फुर्सत इसे नहीं मिली, इसने कर दी पैंगली। पैंगली। ये सब बंद करो। गोपू का जो साथी है उसकी सुसु बहती है, बहती है भाई बहती है। गोपू के साथी की सुसु बहती है भाई बहती है। विवान की पलटन से मंगा लिया, मतलब विवान से मंगा लिया है। मस्ती परी, क्या आपको वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया? नहीं बालवीर, इस तरफ तो नहीं दिख रहा है। परियो, हमें किसी भी हालत में तिम्नासा से पहले वो कल्प पुष्प ढूंढना होगा। हाँ बालवीर। जल्दी जल्दी मुझे इंसान बनाइए। आ गया मैं। कहाँ मिला तुम्हें पुष्प? कहाँ मतलब वो कालपरी ने कहा था ना कि खूबसूरत सा फूल है, बैंगनी रंग का फूल है, तो ले आया मैं। तो है कहाँ पुष्प? कल्प पुष्प।
वाह तौबा तौबा। बैंगन ने खून मांगा था तुमसे। बैंगन नहीं, बैंगन कहीं का। बालवीर, हमने पश्चिम दिशा के आकाश में सब जगह देख लिया, लेकिन ना तो वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया और ना ही कल्प पुष्प। बालवीर, हमने पूरब दिशा में हर जगह देखा, लेकिन हमें भी कामयाबी नहीं मिली। बालवीर, मैं उत्तर दिशा में गई थी, वहाँ हिमालय पर्वत के पास मुझे कुछ दिखाई दिया है। शौर्य ने कहा था ये इंद्रधनुष कल्प पुष्प की ओर इशारा करेगा। इसका मतलब वो कल्प पुष्प हमें हिमालय की पहाड़ियों पर मिलेगा। इससे पहले कि कोई बुरी शक्ति वहां पर पहुंचे, मुझे वहां जाकर कल्प पुष्प को हासिल करना ही होगा। मुझे पता चल चुका है कि वो कल्प पुष्प कहां पर है। मैंने बालवीर और परियों का पीछा किया तो पता चला कि उत्तर दिशा में हिमालय की एक पहाड़ी पर है वो। उस पहाड़ी का नाम बताओ मुझे कालपरी, मुझे तुरंत वहां पहुंचकर वो कल्प पुष्प लेकर आना है। रानी, थप्पड़ मैंने कहा और याददाश्त आपकी चली गई क्या? मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप पृथ्वी पर आपका जादू चलता नहीं ना, तो आप बालवीर और परियों से सामना कैसे करोगी? इसके लिए काल परी मुझे वो खास तोहफा देगी, मूल लोक की निशानी। लेकिन है क्या ये खास तोहफा? नन्ही उंगली की कसम, ये है खास था? ये तो किसी जानवर का नाखून है। वाह वाह वाह, मैं बैंगन लाया तो मुझे थप्पड़ मिला और ये नाखून लाई तो इसे वाह वाह ही मिल रही है। वाह, क्या न्याय है देखो कार लोग का। खामोश, ये किसी आम जानवर का नाखून नहीं, ये वीर लोग के रक्षक शौर्य का नाखून है। अब इस नाखून की शक्ति से मैं बालवीर को अपना शिकार बनाऊंगी। जा रही हूं मैं उस पर्वत पर जहां मुझे मिलेगा वो कल्प पुष्प। विवान की इज्जत का पानी पानी हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि हमने उसकी पलटन को ऐसा सबक सिखाया है। भैया, अब विवान की बारी है खुद अपनी धज्जियां उड़ाने की। छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने, आओ बनाता हूँ इन सपनों को बुरा ख्वाब। भैया, आप इधर ही रुको, मैं विवान को लेके आती हूँ। ठीक है चिंटी, जाओ। खत्म हो इसकी फूर्ती, लो जाए चंडू स्थिर मूर्ति। तो देखा चंडू स्थिर मूर्ति का कमाल। नहीं 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 नहीं, इसकी पैंट तो मैं ही गीली करूंगा।
ज्यादा ही पानी पी लिया क्या? इसको फुर्सत नहीं मिली इसलिए कर दी पैंट गिली। पैंट गिली, पैंट गिली, पैंट गिली, पैंट गिली। मुझे नहीं पता है मैंने नहीं किया है। चिंटू तुम इतने बड़े होकर पैंट गिली करते हो, ये तो कमाल की बात हो गई। ये तो नोटिस बोर्ड में छपवाने लायक है। नहीं नहीं विवाद, सो सॉरी, नोटिस बोर्ड में मत छपवा यार। अच्छा तो तुम सबके सामने ये बोलो कि तुमने गोपू के साथ क्या किया था, बोलो। हाँ गोपू, मैंने ही तेरी पैंट गिली करी थी पानी से, सॉरी अगली बार नहीं करूंगा, गलती हो गई। सुना तुम सबने, मुझे तो पता ही था कि कोई मेरे साथ मजाक करता है। जैसे कि चिंटू ने गोकू के साथ मजाक किया, उसी तरह मैंने भी चिंटू के साथ मजाक किया। और ये सुने, पानी है। चुप, चल चिंटी। लेकिन विवान, तूने चिंटू के ऊपर पानी कैसे डाला और उसे पता क्यों नहीं चला? तुझे पता चला था क्या गोकू, जब उसने तेरे पैंट पे पानी डाला था? नहीं। तो फिर बहुत जल्दी मैं काल लोक वालों की भी पैंट गीली करूंगा। शुक्रिया कालपरी, यहाँ की चमक बता रही है कि कल्प पुष्प यही कहीं होगा। आओ बालवीर, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अच्छा हुआ तिम्नासा से पहले मुझे कल्प पुष्प मिल गया। सॉरी, आप यहाँ? हमारे पास समय कम है बालवीर, इसलिए मैं भी तुम लोगों की मदद करने आ गया। फिक्र मत करो, कल्प पुष्प अब हमारे पास है। हाँ सॉरी, अब हम ये कल्प पुष्प परितारक अर्पित कर पाएंगे। हाँ बालवीर, अब तुम परियों के साथ वीर लोग जाओ और तैयारी शुरू करो, मैं कल्प पुष्प लेकर पहुंचता हूँ। ठीक है। परिधारा को ये फूल तुम नहीं, मैं अर्पित करूंगी बालवीर। उसके बाद वीर लोग की सारी शक्तियां, सारे जादू और हथियार मेरे होंगे। तुम लोगों की औकात तुम्हारे ही घर में गुलाम जैसी हो जाएगी।